निकला है उसके बारे में बताइए, ई चलान के बारे में क्या कहना है आपका? हरदम से विवाद रहा है कि ट्रैफिक विभाग के जो पुलिस अधिकारी हो कहीं ना कहीं लोगों के साथ जो है पैसा लेने देने का काम करती है, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक विभाग की तिजोरी हो कहीं ना कहीं उसको नुकसान होता था। इसीलिए जो है मुंबई पुलिस के ट्रैफिक विभाग ने जो है 1 जनवरी 2017 से ई चालान सिस्टम चालू किया है, जिसमें जो ऐसा होता है कि आपको जो भी पेमेंट्स आपको ऑनलाइन करना होता है आपको तुरंत कैश नहीं होता। काफी टाइम ऐसा होता था कि जो ड्राइवर्स रहते थे उनके पास कैश नहीं होता था, तो उसमें सुविधा के लिए जो है उनको बाद में पेमेंट आप कर सकते थे कभी भी। लेकिन इसमें एक ऐसी जानकारी आई है कि आज भी 27 करोड़ जो है पिछले साल का मुंबई ट्रैफिक विभाग को आया नहीं है। मैंने जो जानकारी मांगी थी 1 जनवरी से ई चालान चालू होने के बाद 20 दिसंबर तक उन्होंने रिप्लाई दिया, टोटल 19 लाख जो है उन्होंने चालान किया हुआ है, जिसका टोटल राशि होती है 52 करोड़ के आसपास, जिसमें से अभी तक सिर्फ 24 करोड़ के आसपास जो है वसूल हो पाई है। आज भी 27 करोड़ जो है चालान का वैसे ही बैलेंस है, तो कहीं ना कहीं बड़ा अमाउंट होता है। अगर ये पैसे आते तो मुंबई करो के विकास के लिए इस्तेमाल हो सकता था।